हाँ जी जय हिंद। आज की इस वीडियो में आपको यह पता चलेगा कि क्लर्क में कितने कैंडिडेट ने एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया था और कितने लोगों का मेरिट लिस्ट में नाम आया है और जिन लोगों का नहीं आया है उन लोगों का अब क्या होगा, और असम राइफल आपका वैकेंसी को अब की साल वाले में यानी 2022 में इंक्रीज़ करेगी कि नहीं करेगी, इसके बारे में इस छोटे से वीडियो में चलिए आपको मैं थोड़ा जानकारी दे देता हूँ। और जितने लोग और भी ट्रेड टेस्ट ट्रेड के फॉर्म फिल किए हैं उन लोगों के लिए मैं वीडियो को जल्द से जल्द लाने की कोशिश कर रहा हूँ, पूरा आपके लिए लगा हुआ हूँ वीडियो को शूट करने में। अभी रात का आपका टाइम हो रहा है, 1 बजने वाला है। चलिए आपको मैं बताता हूँ कि आपका क्लर्क में कितने कैंडिडेट हुए थे, क्या है उसका सीनो। तो आपका जो है कि 2021 की वैकेंसी में कितने लोग क्वालिफाइड किए थे रिटर्न को, जितने लोग जैसे कि टाइपिंग को फिजिकल आपका हो गया रिटर्न टाइपिंग हो गया, जब लोग टाइपिंग को क्वालिफाई किए कैंडिडेट जब टाइपिंग को क्वालिफाई किए तो फिर आपका नेक्स्ट आया नंबर क्या, वहीं पे आपको रिटर्न के लिए एक सीट पेपर दे दिया गया कि ये लीजिए आपका ये रिटर्न है, इस डेट को आपको आ जाना हर एक स्टेट का। इसमें मैं सभी स्टेट का एक ही साथ में बताने वाला हूँ कि आपका टोटल कितने लोग रिटर्न को क्वालिफाई किए थे, 768 लोग क्या किए थे आपके रिटर्न क्वालिफाई किए थे। तो कितना 768 लोग आपके रिटर्न क्वालिफाई कर लिए, और कितना वैकेंसी था टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 397 आपका पूरा टोटल वैकेंसी था। अब यह तो पूरा आपका आंकड़ा हो गया। अब इतने लोग मान लीजिए कि पेपर देने गए, अब जो भी इतना मेहनत किया हुआ है तो वो तो पेपर देने मान लीजिए जाएगा ही, पूरा अटेंडेंस मान लीजिए 768 का अटेंडेंस रहा, और उन्हें और इसमें से आपको कितना इनको लेना है, सिर्फ 397 लेना है और बाकी को इनको घर भेजना है कि भैया हमारे पास सीट नहीं है, अब आप अपने घर चले जाइए। तो यहीं पे क्या हुआ कि सीन गड़बड़ हो गया। असम राइफल वाले ने क्या किया, टोटल रिटर्न को क्वालिफाई जो किए थे रिटर्न क्वालिफाइड यानी कि रिटर्न क्वालिफाइड का मतलब यहाँ पे आप ये मत समझिएगा रिटर्न में पास हो गए या क्या, यानी कि टाइपिंग को क्वालिफाइड किए थे, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ टाइपिंग को क्वालिफाइड किए थे एलिजिबल फॉर रिटर्न। अब पूरा क्लियर हो गया ना कि टाइपिंग को क्वालिफाइड किए थे इतने लोग तो एलिजिबल हो गए आपके किस चीज़ के लिए, रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए। और आपके पास सीट इतनी थी क्लर्क में, किसमें क्लर्क में, तो सभी लोग पेपर दे दिए, इतने लोग पेपर दे दिए एग्ज़ाम दे दिए, तो क्या हुआ कि जब एग्ज़ाम दे दिए तो मेरिट लिस्ट बना, ये सभी स्टेट का बात कर रहा हूँ, जब मेरिट लिस्ट बना तो मेरिट लिस्ट में आपके कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट पास हुए, मेरिट लिस्ट में कितने लोगों का नाम आया, आप बोलोगे कि इतने लोगों का आना चाहिए भैया यही झोल हो गया, इतने लोगों का नाम ही नहीं आया। तो कितने लोगों का आया, 167 प्लस कितने लोग हैं 15 लोग, तो ये कितने हो गए आपके 182 पूरा टोटल कैंडिडेट हुए, या 15 जो हैं सस्पेक्टेड लिस्ट में है सस्पेक्टेड। अब उधर शायद आपको न दिखे तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि मेरिट लिस्ट में नाम आया है, या 15 जो हैं सस्पेक्टेड है और ये 167 जो हैं कि एकदम फाइनली इन पे मोहर लग चुका है कॉल लेटर देने के लिए, और 15 डॉक्यूमेंट पेंडिंग है, तो ये भी अपना डॉक्यूमेंट लेते जाएंगे तो इनका भी हो जाएगा, कोई बड़ा इशू नहीं, सिर्फ डॉक्यूमेंट ओरिजिनल रहना चाहिए। तो 182 अब 182 को आप माइनस कर दीजिए 397 से, तो कितना बचा आपका 215 कैंडिडेट्स को क्या किया गया कि बाहर कर दिया गया, यानी कि 215 कैंडिडेट्स की वैकेंसी आपकी क्या हो गई कि खाली हो गई, वैकेंट रह गई। तो अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ, तो अब क्या होगा 215 लोगों की वैकेंसी खाली है, तो इसको कोशिश किया जाएगा यानी कि नियम के मुताबिक यही है कि इन वैकेंसीज को जैसे जैसे जिस स्टेट में अगर ये खाली होंगे उनके पास डेटा तो होगा, मेरे पास डेटा नहीं कि किस स्टेट में कैसे कैसे क्या है, यूपी का भरा है, महाराष्ट्र का भरा है, राजस्थान का, बिहार का, कि किस जगह का भरा है, किस जगह का नहीं भरा है, किस जगह पर कैंडिडेट्स की कमी थी, वो तो मेरे पास डेटा फ़िलहाल अभी है नहीं, उनको
पता है, तो उस हिसाब से उस स्टेट में क्लर्क की वैकेंसी आपकी इंक्रीज कर देंगे 2022 वाले भर्ती में। तो इस वीडियो में इतना ही, ये मैं क्लर्क का आपको बताया हूँ। अगर जो भी कैंडिडेट अलग ट्रेड्स के देख रहे होंगे, चाहे वॉशरमैन हो गया, कुक हो गया, बार्बर हो गया, मसालची हो गया, AYA पैरामेडिकल हो गया, रोड एंड ब्रिज हो गया, नर्सिंग असिस्टेंट होगा, चाहे कोई भी ऐसा अन्य ट्रेड है, तो आपका जब भी जिस वैकेंसी में जिस में आपका सीट नहीं भरा हुआ है उसमें से अपना स्टेट वाइज असम राइफल डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, तो आपका वैकेंसी क्या है सब्जेक्ट टू चेंज होने वाली है, ठीक है। वो नोटिस देंगे नहीं देंगे या उनका इंटरनल मैटर है। तो इस वीडियो में मैं इतना ही बताना चाहता हूँ, और बाकी आप लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। आपसे मैं मिलता हूँ इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में। सो फॉर जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।